आदाब, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। जिला सांबा के सुम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी और मनमानी से आम जनता की परेशानियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अनुसार हेल्थ सेंटर में कुछ ही डॉक्टर हाजिर होते हैं और वो भी समय पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण मरीजों को घंटों इंतजार कर असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के अनुसार डॉक्टरों के कई पद खाली हैं, लेकिन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हेल्थ सेंटर में खस्ता हालत के कारण ही सीएमओ और बीएमओ के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के कामकाज से असंतुष्टि जताई है और सुम्प के हेल्थ सेंटर के हालात जल्द सुधारने पर जोर दिया है। अच्छा, ते तुहें कोई नहीं इधर लब्बा हुन? नहीं लब्बा। ते क्या खड़के ने बयाना? की पता हुन? बिल्कुल जी, हम कहना चाहते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी का दिन है और बरसात का दिन है, जहाँ पे एक ही एम्बुलेंस है और वहाँ पे जो एक ही ड्राइवर है और जो ड्राइवर है वो दिन रात काम करता है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे दो ड्राइवर होने चाहिए ताकि वो दूसरे ड्राइवर को भी राहत मिल सकती है। और हम खासकर हम सांबा बीएमओ से कहना चाहते हैं, जो इन्होंने जहाँ पे जो गुंडागर्दी चलाई है, जहाँ पे जो डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं वो नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जहाँ पे 5 डॉक्टरों की पोस्ट है और 5 डॉक्टरों में जो 3 डॉक्टर उन्होंने अटैचमेंट करवा लिया है और अटैचमेंट हो गई है, और जहाँ पे कोई भी डॉक्टर जहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचता है, हम कहते हैं कि इससे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।